एक दो एक तीन आठ पंजाब के फिरोजपुर से चलकर न्यू दिल्ली भोपाल के रास्ते छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को जाने वाली अपने निर्धारित समय 31 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएंगे। अगर बात करें फिरोजपुर से मुंबई जाने के लिए तो आपके पास है दो ऑप्शंस, यानी दो ट्रेन चलती हैं। पहली फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस और दूसरी ये फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल। तो आज इसी पंजाब मेल में जो है हम जर्नी करने वाले हैं फिरोजपुर से ग्वालियर तक की पूरी जर्नी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु हियर एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। इस ब्लॉग को, इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता दूं पहले इस ट्रेन के बारे में। अब बात करें ट्रेन नंबर 12138 पंजाब मेल की, तो ये लॉन्च हुई थी ऑन 1st June 1912, मतलब अभी से करीब 107 साल पहले। और पता है तब ये ट्रेन चलती थी एस पंजाब लिमिटेड, मतलब पंजाब लिमिटेड के नाम से चलती थी, और तब ये चलाई जाती थी बल्लाड़वियर से पेशावर के बीच। और आपको बता दूं ये पंजाब मेल GT एक्सप्रेस से भी ज़्यादा पुरानी ट्रेन है, जबकि GT एक्सप्रेस भी काफ़ी पुरानी ट्रेन है, ये उससे भी ज़्यादा पुरानी ट्रेन है, मतलब ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से भी ज़्यादा पुरानी। आपको पता है इन ईयर 1914 इस पंजाब मेल एक्सप्रेस का जो है ओरिजिनेटिंग स्टेशन चेंज कर दिया विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको अब हम CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इन ईयर 1947 इसका टर्मिनेटिंग स्टेशन भी चेंज किया गया और कर दिया गया फिरोजपुर कैंट। तो जैसे कि इस ट्रेन का नाम है पंजाब मेल, अब इसमें जो मेल लगा हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मेल या एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, तो ये सुपर फास्ट थी। फिर ये मेल कहाँ से आया, ये सवाल तो ज़रूर उठता होगा आपके मन में। तो आपको बता दूं इस ट्रेन में जो है कोच लगाती है रेलवे, जो कि मेल कोच होता है, यानी कि मतलब जैसे पार्सल वैन का कोच होता है कुछ उसी प्रकार से, तो उस कोच की वजह से इस ट्रेन के नाम में मेल लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे क्यों इसमें मेल लगाया जाता है। तो चलिए, बस काफ़ी जानकारी दे दी मैंने आपको, इतना काफ़ी है एक ट्रेन के लिए। तो आप शुरू करते हैं जर्नी, और आज भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में। जैसे कि अब इस पंजाब मेल में उत्कृष्ट कोचेस भी लगाए जा चुके हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं इन उत्कृष्ट कोचेस का पंजाब मेल का। तो इंटीरियर तो काफी बेहतर और नया लग रहा है अभी उत्कृष्ट कोचेस का। और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी लगा दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे, और स्विचेस देखें तो काफ़ी पुराने ही टाइप के लगे हुए हैं, रिन्यू कर दिया है इस कोच को, कन्वर्ट कर दिया है उत्कृष्ट कोच में। तो चलिए अब टॉयलेट और दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ के बेसिन से। बेसिन अभी फ़िलहाल साफ़ है, लेकिन फुटका पार्टी से जब तक दूर है तब तक साफ़ है, शीशा कुछ साफ़ ही नहीं है। अब चलते हैं सीधा शौचालय में, तो यहाँ पर साफ सफाई ठीक है। अभी पहले गेट लगा, और यहाँ पर भी शीशा थोड़ा गंदा ही है, लाइट्स एंड साफ सफाई अभी ठीक है, बाकी देखते हैं सुबह तक कैसी रहने वाली है। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ
पंजाब मेल डिपार्चर ले रही है फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर देखें तो हमारी ओल्ड ICF राजधानी के शेड में एक DMU खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ICF राजधानी का जनरल क्लास का डिब्बा हो। और हाँ, एक और बात, जैसे कि मैंने आपको फिरोजपुर शताब्दी या फिर मैं कहूँ भटिंडा शताब्दी वाले व्लॉग में बताया था कि फिरोजपुर से भटिंडा तक जो है सिंगल डीजल लाइन है, तो अभी इसमें डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है पंजाब मेल में, और भटिंडा जंक्शन से ही इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा। लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि एक तो वो बहुत आगे है और ऊपर से काफ़ी रात में आएगा भटिंडा। तो ये आ गया हमारा पहला स्टॉप फरीदकोट, स्टेशन कोड FTK, और ये स्टेशन फिरोजपुर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पर अभी हम 10 मिनट की देरी से ये आ गया हमारा सेकंड स्टॉप कोटकपूरा जंक्शन, स्टेशन कोड KKP, और ये सिटी फेमस है यहाँ के दूधा, एक बर्फी टाइप की होती है, एंड आटा चिकन के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी ट्राई किया है तो भाई कमेंट में बताओ कैसा क्या है, सभी लोग जाने तो क्या चीज़ है, मतलब दूधा कुछ अलग ही साउंड कर रहा है। यहाँ से जो है अब हम कुछ स्टेशन स्किप करने वाले हैं और अब हम लोग वार्तालाप करेंगे सीधा नई दिल्ली के अराइवल पर। और अगर अभी आपको जर्नी देखनी है फिरोजपुर से दिल्ली के बीच, तो उससे पहले मैंने भटिंडा शताब्दी कवर करी हुई है, तो उसकी आप पूरी जर्नी देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। और अब सीधा मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। सो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये आ चुके हैं हम देश की राजधानी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NDLS। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं किसी ट्रेन से यहाँ पर आ रहा हूँ, स्टेशन पर उतर के ब्लॉग बना रहा हूँ, और उसके बाद ना तो यहाँ पे ट्रेन चेंज करनी है ना ही उतरना है, अब इसी ट्रेन से जो है आगे की तरफ बढ़ना है। अरे भाई, ये तो लाइन राइमिंग हो गई, राइमिंग।
तो बस अभी हम 12 मिनट बिफोर आ गए हैं, रात में 10 मिनट लेट चल रहे थे और करीब 15 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है इस पंजाब मेल का। अब आपको टाइमिंग्स बता दूँ इस पंजाब मेल की, तो फिरोजपुर से चलती है डेली रात को 9:40 पर और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम पहुँच जाएंगे 10:35 पर ग्वालियर जंक्शन। और भाई रात में इतनी सर्दी थी कि मतलब सो ही नहीं पाया आज तो ढंग से, सर्दी लगती रही बार बार, बस ऐसे ही रास्ता काटा है आज रात का। तो बिल्कुल अपने एक्यूरेट परफेक्ट टाइमिंग पे पंजाब मेल ने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है, तो अब आइए डिपार्चर देख लेते हैं। यहाँ पे चेन पुलिंग हो गई है, इस वजह से ट्रेन को रोक दिया गया है। टाइम से चले ट्रेन तो बस लोगों का यही है, चेन पुलिंग इतनी देर रुकी रही है ट्रेन यार, यहाँ पर आज करीब 27 मिनट रुकी है। तो ये आ गया हमारा स्टॉप नंबर 19 फरीदाबाद, स्टेशन कोड FDB और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1904। और अगर बात करें डिस्टेंस की यहाँ से इंडिया गेट की, तो वो है करीब 27 किलोमीटर। कितना कोहरा है यहाँ पर। Sorry, it's DJ. तो ये आ गए हम कोसी कलान, स्टेशन कोड KSB और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे करीब 3 प्लेटफॉर्म्स और डेली यहाँ पर करीब 39 ट्रेन्स का हॉल्ट है। और अब देखते हैं यहाँ पर शायद शताब्दी एक्सप्रेस का हमें ओवरटेक देखने को मिले, देखते हैं। वैसे तो काफ़ी बेहतरीन स्पीड में आने वाली है अगर आती है तो, यहाँ पर अगर ओवरटेक करती है, क्योंकि हाई स्पीड सेक्शन है भाई ये न्यू दिल्ली मथुरा के बीच का। और सर्दियों का आलम तो ये है कि भाई चाय चाय के नारे लगते हैं और इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि मतलब ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आ पाई, देखें आप प्लेटफॉर्म के बाहर निकल रही है और सिग्नल हो चुका है। तो अब बस शताब्दी एक्सप्रेस आने वाली है तो उसका ओवरटेक भी देखते हैं। और सर्दी कुछ हो रही है यार, कुछ कर्री सर्दी हो रही है।
ये था भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का ओवरटेक, और बगल से जो आपने देखी थी वो थी मुंबई राजधानी। तो अब सिग्नल हो गया है हमारा भी, तो अब डिपार्चर लेते हैं। तो ये आ चुके हैं हम मथुरा जंक्शन, स्टेशन कोड MTJ। और इस सेक्शन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली चेन्नई एंड दिल्ली मुंबई लाइंस अलग अलग हो जाती हैं। और इस ब्लॉक के स्टार्टिंग में मैंने ऐसे आपको बताया, ये एक सुपर फास्ट सीरीज़ की ट्रेन है, तो इसमें जो भी खाना होता है आपको पेंट्री से अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही रहा है तो कुछ खाना ही टेस्ट कर लिया जाए इस पंजाब मेल की पेंट्री कार का। फिर टेस्ट बताएंगे ऐसा खाना मिलता है आखिर इस पंजाब मेल की पेंट्री कार में। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड RKM, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1904। और वैसे तो अभी तक जितनी जर्नी की है तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते थे, बट आज पहली बार ये स्टेशन भी उतर के देखने का मौका मिला है। जर्नी ब्लॉग बनाना काफ़ी आसान है, तो भाई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई भी ब्लॉगर होता है, मैं नहीं कोई भी हो, तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब सीट कंफर्म सीट होने के बाद भी पूरा टाइम जो है गेट वगैरह पे निकल जाता है, सीट पे तो बहुत ही कम बैठते हैं। और आज सवेरे से जैसे कि न्यू दिल्ली आया था जल्दी, तो 4:30 बजे से मैं जग रहा हूँ भाई, बस यही तो है। तो बस इस मेहनत के लिए मैं कुछ नहीं, बस आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट ही तो चाहिए यार। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो मतलब कर सकते हो करते रहो, बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रहो।
और अभी जो है मैंने पेंट्री कार से ही एक ब्रेकफास्ट लिया था, उपमा लिया था, तो 30 रुपये का उपमा मिला और टेस्ट में भी बढ़िया लगा मुझे, तो बढ़िया था उपमा। देखें आप, तो ये आ चुके हैं अभी हम धौलपुर जंक्शन, स्टेशन कोड DHO, और यहाँ से एक नैरो गेज की ट्रेन चलती है, मैंने उसमें जर्नी की हुई है। आई बटन में लिंक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। चुम पड़े वो आ जा। तो ये आ चुके हैं हम मुरैना, स्टेशन कोड MRA, और यहाँ पर मुझे लगता है कि यशवंतपुर संपर्क क्रांति मतलब कर्नाटका संपर्क क्रांति जो है ओवरटेक करने वाली है पंजाब मेल को, तो जैसी करती है तो आपको दिखाया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कर्नाटका संपर्क क्रांति आ चुकी है ओवरटेक करने। दो ट्रेनों ने जो है हमको ओवरटेक किया और अब बारी है कि हम भी किसी ट्रेन को ओवरटेक करें। तो अभी हम ओवरटेक करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को, जो कि बामर स्टेशन पर रुकी हुई है लूप लाइन पे। चलिए देखते हैं एक बेहतरीन सा ओवरटेक। तो ये आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन ग्वालियर जंक्शन, अपने घर, स्टेशन कोड GWL। भाई ये वाला टूर
इतना बेकार गया, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कभी ट्रेन अच्छी नहीं, कभी खाना अच्छा नहीं, तो ये टूर इतना बेकार गया कि आज अब घर आके काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। और ट्रेन यहाँ पर जो है करीब 18 मिनट की देरी से आई है, और बाकी खाना वगैरह और ये ट्रेन मतलब काफ़ी बढ़िया लगी मुझे तो। और इसमें जो है जनरल क्लास वाले लोग भी नहीं घुसते क्योंकि इसमें प्राइवेट चेकिंग भी होती है। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में। इंस्टा आईडी है ट्रेन लवर्स एच वाई, अगर वहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ भी बातचीत होती रहेगी। मिलते रहेंगे फिर से किसी ना किसी जर्नी में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज हिमांशु सिंह बाय फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन।